गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ क्लास फोर इंग्लिश लिटरेचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक दिस न्यू लेसन, लेसन नंबर सेवन, चैप्टर नंबर सेवन, रेन मेकिंग. ओके, एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन, और वी कैन से स्टोरी इज शंकर. आई वुड लाइक टू टेल यू विच इज़ गिवन एट द बैक ऑल्सो चिल्ड्रन, द शंकर वॉज अ फेमस कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया. ओके, he is no more now, he died in 1989, but I remember that in my childhood we used to see, and my we used to see the cartoons, political cartoons by Shankar. So he is no more now, but he was very famous. Okay, so this story is about, as it is given in the book, about his own childhood. And this story is taken from the autobiographical book. Autobiography किसको बोलते हैं? अपनी आत्मकथा. ठीक है, autobiography is a story, अपने जीवन की कथा को लिखना कि ऐसा हुआ बचपन में, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. ठीक है, all incidents are taken. Life with grandfather, this was the name of the this book. Life with Grandfather, which talks about young Raja's experience while living with his grandparents. Here he remembers an evening when he got his grandfather wet by creating rain. What do you think grandfather said to Raja? Now, as this story shows that this Raja, this name was his Shankar's name. Okay, so he has given he has described an incident about his childhood. Okay, so we will start the story from here. It was an evening after heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under a sandalwood tree. उसने क्या बता रहा है इसमें कि एक शाम का समय था जब बारिश बहुत हैवी रेन हो चुकी थी, बहुत तेज बारिश हो चुकी थी. एंड grandfather was picking, grandfather went to the garden and he was picking, plucking we can say, जैस्मिन, यानी चमेली के फूल. एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इन द ऑन दिस पेज, ये छोटे छोटे चमेली के जैस्मिन फ्लावर्स हैं. एंड दिस बॉय इज स्टैंडिंग, एंड बोथ ऑफ देम, दिस बॉय राजा एंड हिज ग्रैंड फादर आर स्टैंडिंग इन अंडर अ सैंडलवुड ट्री. अभी इसका विल सी द डिस्क्रिप्शन अंडर विच ट्री देवर स्टैंडिंग एंड वॉट ही डिड. नाउ यू विल सी, grandfather was picking flowers from the jasmine bush under a sandalwood tree. Sandalwood कहते हैं चंदन की लकड़ी को, चंदन. It's very famous and its perfume is very nice, and it is used mostly in the south. So people of the south especially use चंदन wood paste on their forehead. उसका paste बना के अपने forehead पे लगाते हैं in the religious ceremonies. ठीक है, द लीव्स ऑफ द ट्री वर फुल ऑफ रेन ड्रॉप्स. और क्या हो गया, एज यू सी, जब बारिश होती है तो जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो अपने अंदर काफ़ी पानी ले लेते हैं, उनकी पत्तियों पे पानी जमा हो जाता है, और अगर वो बाद में भी देर तक गिरता रहता है, जब हवा चलती है तो वो गिरता है. सो द लीव्स ऑफ द सैंडलवुड ट्री वो फुल ऑफ रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदों से, बारिश की बूंदों से वो भरा हुआ था. आई न्यू आई गुड मेक रेन इफ आई शूट द ट्री एंड grandfather and I would get a good shower. तो ये जो छोटा शैतान लड़का था, दिस राजा, दिस बॉय, ही वेंट विद हिज ग्रैंडफादर टू द गार्डन. उसे मालूम था कि बारिश हुई है, जो पेड़ जो है उसमें बहुत ढेर सा पानी, अभी भी रेन ड्रॉप्स होंगी, पानी की बारिश की बूंदें होंगी, और अगर मैं पेड़ को हिला दूं तो हम लोग बहुत अच्छी सी बारिश फिर से जैसे हो जाएगी, क्योंकि वो पानी पूरा नीचे गिरेगा. एंड आई लाइक बेदिंग इन द रेन, क्योंकि राजा यूज़ टू लव बेदिंग इन द रेन. उसे अच्छा लगता था कि बारिश में फिर से भीग जाएं. grandfather might not like it. उसे पता था कि grandfather, अगर मैं हिलाता हूँ पेड़ को तो पानी तो गिरेगा, जो रेन ड्रॉप्स गिरेंगी तो मैं तो मुझे उसे तो अच्छा लगता, बट grandfather might not like. उसे पता था कि grandfather जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगी कि वो अननेसेसरी वो भीग जाएं. बट इट वुड बी अ ग्रेट फन. लेकिन वो शैतान लड़का था, थोड़ा सा मिस्चीवियस था, ही वॉज ए स्मॉल बॉय. उसने सोचा कि बड़ा फन होगा, बड़ा मज़ा आएगा, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, पेड़ को हिला देता हूँ और जो पानी गिरेगा उससे grandfather, हम दोनों फिर से बारिश हो जाएगी. दिस वॉज ही वॉज ए मिस्चीवियस बॉय. सो शैतान लड़का था, थोड़ा सा शैतानी जैसे बच्चे करते हैं, बचपन में शैतानी करते हैं. सो आई क्वाइटली वेंट नियर द सैंडलवुड ट्री एंड शूक इट विद ऑल माई स्ट्रेंथ.
और वो चुपचाप से पेड़ के नीचे गया और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही शूक द ट्री, उसने पेड़ को हिला। ही मस्ट हैव पुल्ड वन, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ दैट ही मस्ट हैव पुल्ड वन ब्रांच, उससे ही काफ़ी ब्रांचेज उसकी हिल गई होंगी। सो दिस वॉज द थिंग, देयर वॉज अ हैवी शावर एंड बोथ ग्रैंडफादर एंड आई वर सोक्ड। और क्या हुआ कि जब उसने एक डाल हिलाई तो और डालें भी हिल गई, पूरा पेड़ ही हिल गया। एंड देयर वॉज अ रेन ऑन बोथ ऑफ देम, एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, जो पेड़ हिल ही शेकिंग द वन ब्रांच ऑफ द ट्री एंड बोथ ऑफ द रेन ड्रॉप्स आर अगेन फॉलिंग ऑन बोथ ऑफ देम एंड द ग्रैंड फादर इज गेटिंग एंग्री। ओके, विद द एक्सप्रेशन ऑफ हिज आइज यू कैन सी दैट ही इज एंग्री। सो वॉट हैपेंड नेक्स्ट, देयर वॉज अ हैवी शावर एंड बोथ ग्रैंड फादर एंड आई वर सोक्ड, वो दोनों भीग गए बारिश में। आई लव्ड इट, उसे तो बहुत अच्छा लगा, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट, लेकिन ग्रैंड फादर को अच्छा नहीं लगा कि अननेसेसरी वो पानी से भीग गए। ही टर्न अराउंड विद एन एंग्री लुक, और उन्होंने मुड़ के गुस्से से उसकी ओर देखा। आई वॉज श्योर ही वुड कैच मी एंड बीट मी, अब उसको ये लगा कि अब ग्रैंड फादर जो हैं मुझे पकड़ेंगे, मेरी पिटाई ज़रूर करेंगे, आई वुड बीट मी यानी मुझे मारेंगे। सो आई रैन, तो मैं दौड़ने लगा, ठीक है। ही रैन आफ्टर मी, वो भी उसके पीछे पर दौड़े। आई रैन फास्ट बट ही रैन फास्टर, और वो बहुत तेज़ दौड़ा, राजा जो था दिस बॉय वो बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन वो उसके जो दादा थे, उसके ग्रैंड फादर थे, वो और भी तेज़ दौड़े उसको पकड़ने के लिए। ही हैड ऑलमोस्ट कॉट मी, उन्होंने लगभग उसको पकड़ ही लिया था, पकड़ने ही वाले थे। वैन ही स्टम्बल्ड एंड फेल, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आई रैन फास्ट, वो कहता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ा, बट ही रैन फास्टर बिकॉज ही वॉज ए बिग मैन, मतलब वो तो बड़े थे, वो ही कुड रन फास्टर देन हिम। ही हैड ऑलमोस्ट कॉट मी व्हेन ही स्टम्बल्ड एंड फेल, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने लगभग उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन अचानक से स्टम्बल्ड माने उनका पैर लड़खड़ाया, ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड ही फेल, वो अचानक से गिर गया ज़मीन में। आई रैन अवे टू द पैडी फील्ड्स एंड हिट देयर, अब ये जो दिस बॉय वॉज स्केयर्ड, उसे लगा कि अब जो दादा जो हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ही वॉज बिकॉज ही न्यू दैट ही, अब तो वो गिर गए, उन्हें चोट भी लग गई होगी, तो ही न्यू दैट ही विल बी मोर एंग्रियर देन द प्रीवियस टाइम, तो अब वो तो और तेज़ दौड़ा। एंड ही रैन टूवर्ड्स द पेडी फील्ड, पेडी कहते हैं धान की खेती को, जो चावल बोया जाता है वो धान कहलाता है, वो साउथ में धान की खेती नेचुरली, इट इज़ ए विलेज सीन, तो वहाँ पर खेत भी होंगे और उसी के पास गार्डन भी था। तो ही रैन टूवर्ड्स द पेडी फील्ड, उसे लगा कि द पेडी फील्ड जो है धान का जो खेत है उसमें छुपने में ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज द क्रॉप्स वर देयर, सो उसी में मैं कहीं छुप के बैठ जाऊँगा। एंड ही रैन एंड ही हिट देयर, वहाँ छुप गया जाके। आई हर्ड ग्रैंड फादर शाउट दैट ही वुड टीच मी ए लेसन व्हेन आई कम बैक होम, अब उन्होंने जब ग्रैंड फादर उसको नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने गुस्से में यही उससे कहा कि आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, यानी कि आज तुम्हें मैं मारूंगा। When I came back home, कि जब मैं घर वापस आऊँगा, ठीक है। ही न्यू दैट ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ समवेयर इन द पेटी फील्ड, ही डिडंट टेक ट्रबल टू फाइंड हिम बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट, सो उन्होंने बस उसको एक वार्निंग दे दी कि जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो होम बिकॉज आई फियर्ड ग्रैंड फादर वुड बीट मी, और वो कहता है कि मैं अब घर नहीं जाना चाहता था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड कि ग्रैंड फादर जो था वो उसको मारेंगे, उसकी पिटाई होगी। आई स्टेड ऑन इन द फील्ड्स, और मैं खेत में ही छुपा रहा। इट वॉज गेटिंग डार्क, और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। आई वॉज अफ्रेड टू स्टे देयर अलोन इन द डार्कनेस, और उसे अब डर लगने लगा क्योंकि अंधेरा होने लगा। ही वॉज अलोन, अकेला भी था और अंधेरे में खेतों में छुपना उसको अच्छा नहीं लगा। ही वॉज afraid to stay there for some more time. I remembered all the ghost stories I had heard, और उसको उसने थोड़ा सा याद किया कि कुछ भूत प्रेत की कहानियाँ जो ghost stories में इसकी भूत प्रेत रात के समय निकलते हैं type of thing, तो ghost stories उसको याद आने लगी, उसको लगा कि मैं यहाँ रात में छुपा रहूँगा तो मेरे लिए खतरा होगा यहाँ पे, इट विल बी डेंजरस फॉर मी टू हाइड हियर फॉर द होल नाइट और फॉर द टिल लेट नाइट। I stood up, looked around and then I ran towards home. फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया एंड उसने चारों ओर देखा तो इट वॉज डार्क ऑल ओवर एंड ही रैन टुवर्ड्स होम, वो घर की तरफ भागा, ठीक है।
आई वॉज स्टिल अफ्रेड ऑफ फेसिंग ग्रैंड फादर सो आई डिड नॉट गो इन टू द हाउस. उसने सोचा कि उसे तब भी डर था कि अभी भी ग्रैंड फादर मुझे देखेंगे तो मुझे अभी भी ही मस्ट बी वेरी एंग्री और वो अभी भी मुझे मारेंगे. सो आई डिडन्ट गो इन टू द हाउस. मैं घर वो सीधा घर के अंदर नहीं गया. आई वेंट टू द काउशेड एंड टुक शेल्टर इन द लोफ्ट. और वो किसने क्या करा कि घर के बाहर जो काउशेड था गायों का जो शेड बना हुआ था मोस्ट प्रोबेबली उनके घर में गाय पली होंगी तो वहाँ पे एक शेड था और वहाँ पे एक रूम भी था जिसके ऊपर एक छोटा कमरा था. ठीक है स्मॉल रूम वॉज देयर. फ्रॉम देयर आई कुड सी ग्रैंड फादर सिटिंग. आई वेंट टू द काउशेड एंड टुक शेल्टर इन द लोफ्ट. वो वहाँ जाके छुप गया उस काउशेड की लोफ्ट में छोटे कमरे में और वहाँ से वो सबको देख रहा था. बट द अदर पीपल वर नॉट एबल टू सी हिम. फ्रॉम देयर आई कुड सी ग्रैंड फादर सिटिंग ऑन द वरेंडा सेइंग हिज प्रेयर्स. उसने देखा कि ग्रैंड फादर जो हैं वो बैठ के अपनी शाम के प्रेयर्स जो हैं वो बोल रहे हैं अपना प्रेयर कर रहे हैं. ग्रैंड मदर वॉज वेटिंग फॉर मी. और उसने अब उसने देखा कि ग्रैंड मदर जो उसकी हैं उसकी दादी जो हैं वो उसके लिए वेट कर रही हैं कि भाई बच्चा कहाँ चला गया. ही इज नॉट कम बैक होम. When I did not return turn up, she looked for me everywhere in the house. और जब उन्होंने जब ये वापस नहीं लौटा और नहीं दिखाई दिया तो उनकी दादी ने जो था उसकी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने घर में सालों उसको ढूंढना शुरू किया. Then she came out and called me, thinking I was somewhere in the garden. और फिर वो बाहर आई उन्होंने उसको आवाज़ दी और ये सोच के आवाज़ दी कि वो कहीं गार्डन में घर के आसपास घर के बाहर गार्डन जो था उसमें होगा. She didn't get an answer. लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला बिकॉज दिस बॉय वॉज हाइडिंग इन द काउशेड एंड ही नेवर वॉन्टेड टू गिव एनी आंसर. वो जवाब दे के बताना नहीं चाहता था कि मैं यहाँ छुपाऊँ नहीं तो फिर वो पकड़ लिया जाता है. ही वॉज अफ्रेड दैट ही विल बी बीटन बाई द ग्रैंड फादर. दैन शी वेंट टू ग्रैंड फादर एंड आस्क वेयर आई वॉज. और उन्होंने वो फिर वो दादाजी के पास गई ग्रैंड फादर के पास गई उन्होंने उनसे पूछा कि वो कहाँ है. मैं कहा उसने अपने उसके बारे में पूछा कि वो राजा कहाँ है बिकॉज शी न्यू दैट ही हैड गॉन टू द गार्डन विद ग्रैंड फादर. लुक फॉर हिम इन द हाउस ग्रैंड फादर सेड ही इज़ हाइडिंग समवेयर. तो दादाजी ने कहा कि देखो घर में ढूंढो उसे वो कहीं होगा वो कहीं छुपा हुआ है. बिकॉज ही न्यू द होल स्टोरी दैट वाई ही इज़ हाइडिंग. ही इज़ नॉट इन द हाउस ग्रैंड मदर सेड. आई लुक फॉर हिम एवरीवेयर. दादा ग्रैंड मदर ने उनको जवाब दिया कि ही इज़ नॉट इन द हाउस. वो घर के अंदर कहीं भी नहीं है. मैंने तो उसको सब और देखा हर तरफ देखा. ही इज़ नॉट देयर. ओके देन ग्रैंड फादर स्टूड अप एंड वेंट आउटसाइड एंड कॉल्ड अलाउड. और फिर तब ग्रैंड फादर उठे उन्होंने वो जो प्रेयर कर रहे थे उसके बाद वो उठे और वो उन्होंने वो अपनी जगह से उठे वरांडा से और वो बाहर की तरफ आए ग्रैंड गार्डन के साइड आए बाहर. एंड ही कॉल्ड अलाउड. वो जोर से बोल जोर की तेज़ आवाज़ में बोले कम राजा कम I won't beat you. और उन्होंने लगा कि बच्चा जो है शाम का टाइम है द बॉय मस्ट कम बैक होम बिकॉज दे आर गेटिंग वरेड अबाउट हिम कि बच्चा कहाँ चला गया. ही इज़ मिसिंग. कहाँ गायब हो गया. कम राजा कम. उन्होंने उसको आवाज़ दी कि राजा कम आ जाओ आ जाओ. आई वॉन्ट बीट यू. मैं तुम्हें नहीं मारूँगा. बट आई डिडंट आंसर हिम बिकॉज आई स्टिल थॉट ही वुड बीट मी. लेकिन ये जो था इसको राजा जो था इसको विश्वास नहीं हुआ कि दादा कह तो रहे हैं कि नहीं मारूँगा लेकिन Maybe that when I come out, he may beat me. वो सीधे मुझे ढूंढने के लिए पाने के लिए इस तरह से बोल रहे हैं कि मैं नहीं मारूंगा लेकिन क्या पता वो मुझे मारें. So, उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और because he was not trusting him कि वो उसे नहीं मारेंगे. So, he was hiding himself. So, children, I think that this is at least the half part of the story I am taking in this video and the next story half part I will take the next part of the story will I'll take in the next video. So I am finishing this video here now. Thank you.